आज की इंडियन ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम भारत की झीलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे झीलें क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, झीलें कैसे बनती हैं और इनके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। भारत की एक एक झीलों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए मैप के द्वारा समझेंगे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर कल्पना एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है। सामान्य रूप से जो झील है भूतल के एक विस्तृत गड्ढे हैं और जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल जो है प्रायः स्थिर होता है और झीलों की महत्वपूर्ण विशेषता है उनका खारापन, लेकिन अनेक झीलें जो हैं आपकी मीठे पानी की भी होती हैं। तो झील क्या है, जल का एक स्थिर भाग है, यानी कि जहाँ जल रुका होता है और किस में रुका होता है, एक गड्ढे के रूप में रुका होता है और ये क्या होगा, स्थिर होगा, रुका होगा और एक अंदर गड्ढा होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, स्थल खंड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, ये गड्ढे के रूप में होता है जिसमें जल आपका भरा होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो झील है झीलों का जल स्थिर होगा, यानी कि झीलों का जल गतिमान नहीं होता है। झीलों का जल कैसा होता है, स्थिर होता है और वो या तो खारा होगा या मीठा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्थिर भाग जो गड्ढे के रूप में है और जिसमें जल भरा हुआ है उसको हम झील कहते हैं। जैसे आप इस मैप में देखेंगे, इसमें अंदर एक गड्ढा है, गड्ढे के चारों ओर स्थल भाग है और अंदर इसमें पानी भरा हुआ है। आप इस दूसरे मैप में भी देख सकते हैं, इसमें एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है और इसके चारों ओर क्या है, आपका स्थल खंड है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भू आकृति है उसको हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लेक, ठीक है, लेक कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो झीलें हैं झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो झीलें आपकी तीन प्रकार की होती हैं, एक है आपकी बनावट के आधार पर, दूसरी है जल की प्रकृति के आधार पर और तीसरी है उत्पत्ति के आधार पर। इस तरीके से तीन प्रकार की झीलें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर जो झीलें हैं वो आपके दो प्रकार की होती हैं, एक है आपकी प्राकृतिक झीलें और दूसरी है कृत्रिम या आर्टिफिशियल झील। प्राकृतिक झील ऐसी झील है जो कि अपने आप, यानी कि नेचर की देन होती है, जो नेचर के द्वारा ही बनाई गई हुई होती है। जैसे है आपकी डल झील। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है जो कि भारत की बहुत सुंदर झील है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस भी ये डल झील बन गया है, ठीक है। जैसे है आपकी नैनी झील। नैनी झील नैनीताल में है और ये भी बहुत सुंदर झील मानी जाती है। तो ये कैसी है, ये नेचुरल झील है, प्रकृति की देन है, ठीक है। दूसरी झील कैसी होती है, आपकी आर्टिफिशियल झील, यानी कि कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब होता है ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं या मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे आपकी है गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है वो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और जिसका निर्माण भाखड़ा नागल डैम के कारण हुआ है, ठीक है। तो कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल, इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हैं जो बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं, मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। और प्राकृतिक झील कैसी है, जो कि नेचुरल, प्रकृति की देन होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बनावट के आधार पर दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। अगली झील है जल की प्रकृति के आधार पर जो झीलें हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है खारे पानी की झील, नंबर दो है मीठे पानी की झील, ठीक। खारे पानी की झील जैसे है आपकी सांभर झील। जो सांभर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आपकी राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है।
दूसरी है मीठे पानी की झील। जो मीठे पानी की झील है ये है आपकी वूलर झील, और वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है, खारा और मीठे पानी की झीलें। नंबर तीन है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर झीलें जैसे हैं क्रेटर झील, गोखुर झील, लैंगून या डेल्टा झील, वायु निर्मित झील, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो आपकी झीलें होती हैं, जैसे आपकी क्रेटर झील। जो क्रेटर झील है, क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने पर एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है। जब उस गड्ढे में पानी आकर भर जाता है तो उसको हम क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है ना, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो भारत की एक क्रेटर झील है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। दूसरी है गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब है कि जब नदी है ना मैदान में एंटर करती है, तो मैदान में एंटर करने पर कभी वो राइट हैंड साइड मुड़ती है तो कभी वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ती है। यानी कि वो राइट और लेफ्ट की ओर जैसे मुड़ती है, तो राइट लेफ्ट की ओर मुड़ने पर इस तरीके से राइट लेफ्ट की ओर मुड़ने पर क्या होता है, एक एक्स आकार की आकृति बना लेती है, फिर आगे चलकर वो सीधे बहने लगती है। तो ये जो इस तरीके की ये आकृति बनी है, ये बनी है, तो इसमें निक्षेप आ जाता है और इस बीच वाले पार्ट में क्या हुआ, पानी आकर भर जाता है। ये जो बीच वाला पार्ट, इसमें क्या हुआ, पानी आकर भर जाता है, तो इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। जैसे जो आपकी वूलर झील है, वूलर झील का निर्माण झेलम नदी के कारण हुआ है, तो ये क्या है, आपकी गोखुर झील है। ठीक है, अगली है आपकी डेल्टा या लैंगून झील। डेल्टा और लैंगून झील का जो निर्माण होता है, यानी कि जब समुद्र का कुछ स्थल खंड से अलग हो जाता है, समुद्र का जो पार्ट है यानी कि जो आपकी निक्षेप के कारण कुछ अलग हो जाता है और उसमें पानी आकर भर जाता है, तो ऐसे प्रकार की झील को हम डेल्टा या लैंगून झील कहते हैं। और जैसे है आपकी कोलेरू झील, जो आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की उस पर है, बाउंड्री पर है। जैसे है आपकी चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, और अगली है आपकी बेम्बानंद झील। जो ये बेम्बानंद झील है ये आपकी केरल में पड़ेगी। तो इस तरीके से हम झील देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर झीलें कैसे होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गोखुर झील, कि गोखुर झील का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाईं बाईं बल खाती हुई प्रभावित होती है और विषर्प का निर्माण करती है। ये विषर्प एक्स आकार के होते हैं, और जब नदी अपने विषर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब नदी का अपशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है, और उत्तर भारत की जो मैदानी झीलें हैं वो गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। पहले मैं यहां समझाऊंगी, फिर मैप से समझाती हूं। जैसे इसमें आपने देखा एक शब्द आ गया कि मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा, मैदानी क्षेत्रों में जो नदी की धारा एंटर करती है तो बल खाते हुए कभी क्या है, दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड, और कभी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बल खाती हुई क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब प्रवाहित होती है तो ये एक्स आकार बना लेती है ना, एक्स आकार बना लेती है, और ये विषर्प का यानी कि जैसे सांप चलता है, विषर्प को त्याग कर आगे चलकर जब ये आगे चलती है तो सीधा रास्ता पकड़ लेती है। तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, जब इसमें पानी आके भर जाता है, जल आकर भर जाता है, तो इस हम जल आके भर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, गोखुर कहते हैं। जैसे आप इस मैप में भी देख रहे हैं, इस मैप में आप देखना नदी मैदानों में एंटर करती है तो कभी राइट हैंड साइड मुड़ रही है और कभी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रही है। तो राइट एंड लेफ्ट साइड मुड़ते हुए क्या है, आगे बहती चली जाती है।
ठीक है। और इसमें क्या है, एक एक्स आकार की आकृति का निर्माण होता है, और जब इसमें आकृति का निर्माण हो रहा है और इसमें पानी आकर भर जाता है तो इस प्रकार की भू आकृति को हम गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। और जो वूलर झील है वो भी गोखुर झील का उदाहरण है, और उत्तर भारत की जो मैदानी झीलें हैं वो भी आपकी गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। अगली है लैगून या अनूप झील। जो लैगून या अनूप झील है इसका निर्माण समुद्री तट का कुछ जलीय भाग बालू चट्टान या प्रबाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झील नुमा आकृति से होता है। इसमें बीच बीच में खुले भाग होते हैं जिसमें समुद्री जल प्रवेश करता है। भारत के उदाहरण स्वरूप है जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और बेम्बानंद झील। ये बेम्बानंद है, बेम्बानंद झील। तो ये क्या है, आपके लैगून झील का उदाहरण है। जैसे आपकी लैगून का मतलब है डेल्टा के द्वारा निर्मित झील। जैसे आपकी नदी आती है और नदी आकर अपना निक्षेप कहाँ करती है, समुद्र में करती है, तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और उसमें जो निक्षेप होते हैं उसमें बालू भी होती है, चट्टान होते हैं या प्रबाल भित्ति के कारण, इन सब के कारण वो समुद्र से है ना, और मुख्य भूमि से, ठीक है, जो समुद्र है, समुद्र का जो कुछ भाग है मुख्य भूमि से अलग हो जाता है, मुख्य भूमि से अलग हो जाता है और एक झील नुमा आकृति का निर्माण करता है ना, और जिसमें पानी आकर भर जाता है, समुद्री जल एंटर कर जाता है, तो उसको हम लैगून झील कहते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देखिए, इस मैप में ये समुद्र का किनारा है ना, और भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो आपकी चिल्का झील है, ठीक। इस मैप में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये जैसे मैप में दिखाया हुआ है ये समुद्र का किनारा है, ये मुख्य भूमि से अलग हो रहा है और मुख्य भूमि से अलग होने के कारण समुद्र का जल इसमें आकर एंटर कर जाता है। तो ये एक ऐसी आकृति बनती है और इस आकृति के कारण इस झील को हम लैगून या अनूप या डेल्टा झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपने इसमें मैप में बहुत अच्छे से देख लिया है। अगली झील है आपकी क्रेटर झील। जो क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील, ठीक है, इसका निर्माण तब होता है, जो क्रेटर झील है, जब ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीपाकार या गर्तनुमा आकृति का निर्माण होता है और उसमें जल भर जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोणार झील, ठीक। आप इस मैप में देखिए, पहले इसमें जैसे नीचे है आपका लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ है ना, ये सारे हैं, और ये जाने पर जब आगे जाके ज्वालामुखी फटा तो ज्वालामुखी फटने से एक विशेष प्रकार की क्या हुई है, कहाँ गड्ढा बन गया है। जैसे देखो ये ज्वालामुखी फट रहा है, ज्वालामुखी फटने से यहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो गया है। जब इस गड्ढे का निर्माण हो गया है, अब इस गड्ढे में क्या है, जब ये मैग्मा है, मैग्मा जब आपका सूख जाता है तो यहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और इस गड्ढे में जब पानी आकर भर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कब होगा, जब कीप के आकार की कीपाकार गर्तनुमा आकृति का निर्माण होता है, ठीक है। और ये ज्वालामुखी शंकु के ऊपर इस प्रकार की झील का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की झील को हम देखते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। आप इस मैप में भी अच्छे से देख सकते हैं, ये कई मैप दिए हुए हैं, ज्वालामुखी फट रहा है, ऑक्सी जल रही है, इसमें एक गड्ढा सा बन गया है और इस गड्ढे में जब पानी आकर ये भर जाता है, तो इस प्रकार की झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। हिमानी झील या हिमनद झील। हिमालय झील का जो निर्माण होता है, हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर के अपरदन के कारण, अपरदन का मतलब है कटाव, अपरदन का मतलब क्या है, कटाव के कारण जिस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है उन झीलों को हम हिमानी झील कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघला और पिघलने से क्या हुआ, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में जब पानी आकर भर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिमानी झील कहते हैं। जैसे उत्तराखंड की नैनी झील है, भीमताल झील है और राक्षसताल झील है, तो इस प्रकार की झीलों को हम क्या कहते हैं, हिमानी या हिमनद झील कहते हैं। अगली झील है आपकी वायु निर्मित झील।
वायु निर्मित झील में जब मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा सतह की मिट्टी को उठाकर दूर ले जाती है तो वहां झील निर्मित होती है, जिसे प्लाया झील भी कहते हैं। और ये झीलें अधिकतर खारे पानी की होती हैं, जैसे राजस्थान की सांभर और डिडवाना झील। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब एक स्थान से हवा सतह की मिट्टी को उठा के लेगी, तो जहां से मिट्टी उठकर गई है तो वहां क्या होगा, एक गड्ढा सा बन जाएगा। भाई मिट्टी यहां से उठ के यहां चली गई है तो यहां पे क्या होगा, एक गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। जब इस गड्ढे का निर्माण हो जाएगा तो इस गड्ढे में क्या होगा, पानी आकर भर जाएगा। जब इस गड्ढे में पानी आकर भर जाएगा तो इस प्रकार की झील को हम क्या कहते हैं, वायु निर्मित झील कहते हैं, जैसे कि आपकी राजस्थान की सांभर और डिडवाना झील है। ठीक है, तो इस प्रकार की झीलों को हम क्या कहते हैं, वायु निर्मित झील कहते हैं। ठीक, और जो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस झीलों के पार्ट वन पार्ट टू करके बना रही हूँ। तो पार्ट वन में मैंने झीलों का वर्गीकरण, झीलों की विशेषताओं को बता दिया है। जो अगली वीडियो होगी उसमें भारत की जो झीलें हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन सबको बताऊंगी विद मैप के साथ। ठीक है, तो इसलिए पार्ट वन पार्ट टू करके दोनों झीलों की वीडियो को अच्छे से देखना, जिससे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एक नीचे के लेवल के एग्जाम से लेके ISPCS तक कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्रेटर झील क्या होती है, हिमानी झील क्या होती है, वायु निर्मित झील क्या होती है, लैंगून झील क्या होती है और आर्द्रभूमि झील क्या होती है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए सारी वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, मैं पार्ट वन पार्ट टू करके आपकी ये वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ओके।